अस्सलाम वालेकुम नाजन, आप देख रहे हैं फ्लेवरफुल किचन। मैं हूँ शेफ इमरा। आज मैं आप लोग के लिए लेके कमर्शियल लेवल के शवरमा की रेसिपी। तो सबसे पहले जो है हम वाइट सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप मेयोनीज। इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून इसमें मैं लेमन जूस ऐड करूँगी। और इसके बाद जो है हम इसमें 3 टेबल स्पून जो है वाइट तिल शामिल करेंगे। आप लोग ये पैकेट जो है बाज़ार से ले सकते हैं, तकरीबन 50-60 रुपये का आ जाता है। इसके बाद जो है इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है मैंने सिरका शामिल किया है, और 3 मैंने जो है देसी लहसुन के जवे शामिल किए हैं। आप लोग चाहें तो जो छोटा लहसुन होता है उसके 8 जवे शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ओरिगानो शामिल किया है। अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, और 2 मिनट के बाद हमारी सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ कम लग रही है, जैसे कि नमक वगैरह, या आपको टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट नहीं आ रहा, तो आप जो है इसमें ब्लैक पेपर और ओरिगैनो और शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद जो है अब हम जो है रेड सॉस बनाएंगे, जिसके लिए मैंने जो है साबुत लाल मिर्ची ले ली थी, जिसको मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। और उसके बाद जो है पानी निचोड़ के इसको हम ग्राइंडर में शामिल कर लेंगे। और उसके बाद जो है मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल किया है, 1 टेबल स्पून मैंने विनेगर शामिल किया है, और 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है, और एक मीडियम साइज से थोड़ा सा छोटा इसमें जो है प्याज शामिल किया है, और मैंने एक छोटा सा पीस जो देसी लहसुन का है वो मैंने एक पीस वो लहसुन का शामिल किया है, और पिंच ऑफ सॉल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट मैंने इसमें शामिल किया है। इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने ग्राइंड कर लिया था। और देखिए माशाल्लाह से ये सॉस कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, और ये बहुत ही तीखी और मज़े की थी। अब हमने जो कि कमर्शियल लेवल की बेस पे बनाना है, तो हम इसमें जो है रेड फूड कलर शामिल करेंगे, और जो है सॉस हमारी बिल्कुल बाजार जैसी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैंने 1/2 kg से थोड़ा सा कम बोनलेस चिकन लिया है, और इसको मैंने अब मैरिनेट करने के लिए इसमें मसाले शामिल करने हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले इसमें लहसुन पाउडर शामिल किया है 1 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने इसमें गार्लिक पाउडर शामिल किया है 1 टेबल स्पून। फिर मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी शामिल की है, 1 टेबल स्पून रेड मिर्च शामिल की है, 1 टेबल स्पून मैंने जीरा पाउडर शामिल किया है, एंड 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गर्म मसाला शामिल किया है, 1 टेबल स्पून इसमें हम जो है सूखा धनिया शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे, और 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस, 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस, और 1 टेबल स्पून विनेगर, और 1 टेबल स्पून से बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम येलो फूड कलर ऐड करेंगे। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और तकरीबन हम इसको 15 से 20 मिनट, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट कर लें। उसके बाद जो है मैंने एक खीरा लिया है और बंद गोभी लिया है। आप चाहे तो कैरेट भी ले सकते हैं, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए जो है हम इसमें जब बंद गोभी और खीरा शामिल करेंगे। इसको मैंने जो है छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया था, और इसमें मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर और विनीगर 1 टेबल स्पून शामिल करके इसको मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब जो है हमारा चिकन जो है मैरिनेट हो चुका है। अब मैंने इसको ग्रिल पैन में हल्के से ऑयल ब्रशिंग के साथ इसको जो है हम ग्रिल करेंगे। तकरीबन मैंने इस चिकन को 30 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाया है। माशाल्लाह से ये चिकन इतना खूबसूरत लग रहा था, और टेस्ट में भी ये इतना मज़े का था। और आप यकीन करें, आप इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे ना, तो आप बाज़ार का शवरमा भूल जाएंगे, इतना ये मज़े का शवरमा बना था। आपने इसकी हर एक साइड को तकरीबन 5-5 मिनट के लिए पकाना है, जो कि 30 मिनट्स तक आपका ये जो है मीडियम फ्लेम पे पक जाएगा। और अब जो है हम इसके छोटे छोटे पीसीस कर लेंगे चिकन के, अपने जिस तरह से आपको चिकन पसंद है उस तरह से। मुझे चूँकि इस तरह से रेशा रेशा पसंद है चिकन, तो मैंने इसको उस तरह से स्लाइसेस कर लिया था। अब जो है हम अपनी शवरमा ब्रेड को जो है तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए ब्राउन करेंगे। और अब जो है इस पे सबसे पहले मैंने रेड चिली जो पेस्ट मैंने बनाया है वो लगाया है, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर अपनी जितना आपको चिकन पसंद है शवरमे में उस तरह से आप चिकन इसमें शामिल कर लें। उसके बाद मैंने इसमें वेजिटेबल्स शामिल की हैं, और इसके बाद अब हम इस पे जो है वाइट सॉस शामिल करेंगे। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी आपको पसंद है उतनी शामिल करें। और जो इसका सबसे मुश्किल काम मुझे लगता था शवरमे को फोल्ड करना, हम वो मैंने इसको फोल्ड किया है। और अब जो है हमारा एक शवरमा रेडी हो चुका है। अब हम अपने दूसरे शवरमे की तरफ जाएंगे। इसको जो है मैंने थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। तवे पे जो है मैंने चिकन शामिल किया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा रेड चिली को शामिल किया है जो पेस्ट मैंने बनाया है, और थोड़ी सी मैंने इसमें व्हाइट सॉस शामिल किया है।
बाजार में भी जो है ऐसे ही शवरमा रेडी होता है। तो ये जो शवरमा, जो सेकंड वाला शवरमा मैंने इस तरीके से बनाया, यकीन करें ये तो बिल्कुल जो है ना ऐसा मुझे मज़े का लगा है ना, मेरा दिल कर रहा था कि मैं 3-4 शवरमा और खा लूँ। तो ये जो है अब इसके ऊपर मैंने जो है वेजिटेबल शामिल किए हैं, चिकन रखा है, और जो इस तरह से हमारे शवरमे रेडी हो गए हैं। आप शवरमे को ज़रूर ट्राई करें और आपको यकीन हो जाएगा कि शवरमा जो है बिल्कुल बाजार वाला है, क्योंकि ये रेसिपी मैंने आपके साथ कमर्शियल लेवल वाली शेयर की है। अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।